वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, जिसमें हमने फाइनाइट रॉड लेके चले थे और इनफाइनाइट और सेमी फाइनाइट दोनों केस हमने उसमें सॉल्व कर दिया था, उससे न्यूमेरिकल्स हमारे हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास रिंग दी होगी तो रिंग पे कैसे हम, ये रिंग है वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है। देखिए डायग्राम आपके पास है, यहाँ पर ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है और रिंग क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। रिंग की रेडियस जो है वो आर है और यूनिफॉर्मली चार्ज देखिए प्लस से इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक सेंटर ओ है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट्स ले रहे हैं हम लोग। ये ए बी सेगमेंट लिया है, यहाँ पर सी डी सेगमेंट लिया है और इसके ऊपर चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसके ऊपर चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी चेक करनी है तो ए बी जो है, क्योंकि चार्ज है तो ए बी जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर लगाएगा, यानी ए इस डायरेक्शन में लगाएगा, बी इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, देखिए ए जो है इस डायरेक्शन लगाएगा जबकि डी इस डायरेक्शन लगाएगा, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, फिनिश कर देंगे, वैनिश कर देंगे। बी इस डायरेक्शन लगाएगा जबकि सी इस डायरेक्शन लगाएगा, क्योंकि एक सर्कुलर रिंग है तो दोनों एक दूसरे पर अपोजिट चार्ज लगाएंगे, यानी अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और दोनों एक दूसरे को वैनिश कर देंगे। डैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमेशा जीरो आएगी, जैसा कि हम लोग वहां फोर्स में करते थे कि सेंटर पर अगर हमारा कोई चार्ज रखा होता था और अगर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज वहां पर क्या बात करते थे, अगर हमारा जो चार्ज है वो अगर हमारा सेम है, अगर सारे चार्जेस सेम है, सिमेट्रिक आपका शेप है, तो बीच में रखा हुआ चार्ज जो होता था उस पर हमारा फोर्स जीरो होता था। यहां पर क्या है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारा, कोई सिमेट्रिकल चार्ज रिंग है, तो उसके सेंटर पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे जीरो होगी, इसकी थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ड्यू टू वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑन रिंग इज कैंसल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द स्मॉल सेगमेंट एक्जैक्टली अपोजिट, यानी इससे जस्ट अपोजिट वाला जो है वो इसको क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो नेट फील्ड जो हो जाएगी सेंटर पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वो ई जीरो हो जाएगी। देखिए अगर ई ए है ये, तो ई ए इस साइड पर लगेगा और ए डी इस साइड में लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बी है, सी है, बी टू सी लगेगा, सी टू बी लगेगा, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। बट अगर हमारा एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग है, रिंग की एक्सिस पर, यानी ये जो रिंग की एक्सिस है यहां पर अगर कोई हमारा पॉइंट है, ये रिंग की एक्सिस है, देखिए ये हमारा सेंटर हो गया, रिंग को हमने इस तरह से ले लिया, ये जो रिंग आपकी ऐसे लेटी हुई रखी थी, रिंग को हमने ऐसे ले लिया। अब जब रिंग को हमने इस तरह से ले लिया, ये देखिए ये रिंग है, तो ये रिंग हमने इस तरह से ले लिया, तो अब इसके ऊपर क्या होगा, सेंटर से किसी इसकी एक्सिस पर, इसकी एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट पी है वहां पर हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ होगी। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको करके सॉल्व करवाती हूँ, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए बनाते हैं डायग्राम हम यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक रिंग ले लेनी है, ये रिंग कुछ इस टाइप से ले ले रहे हैं, ठीक है, और रिंग का सेंटर है हमारा, सेंटर क्या है, ओ पर है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यानी रेडियस है, वो आर है, और ये जो है हमारा, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज ये रिंग है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यानी इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो लाइंस रखी हुई हैं, ये इस टाइप से। और हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, कुछ लेंथ ले ले रहे हैं इसकी डीएल, ठीक है, ये जो लेंथ ले ले रहे हैं वो कितनी होगी हमारी, डीएल लेंथ, ठीक है, छोटी सी लेंथ डीएल ले ले रहे हैं। और इसके ओ पॉइंट से हमारा, यानी इसके सेंटर से कोई एक पॉइंट, इसकी एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं पी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी, यानी ये निकालते हैं। अब ये जो है इतना यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी डीएल लेंथ का है, इसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किधर लगेगी, ये पॉजिटिव है यानी डीएल है, यहाँ पर एक डीक्यू चार्ज रखा हुआ है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगा, अब नीचे की ओर लगाएगा, बाहर की ओर, आउटवर्ड, तो ये इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डीई लगाएगा, ठीक है। ये एंगल अगर हम मान ले थीटा है तो ये हो गया, ठीक है, ये आपका इस तरह से बोल सकते हो यूनिफॉर्मली चार्ज है, बाहर की ओर चार्ज होगी, ठीक है, ना कि अंदर की ओर, तो चलिए ये मान लिया हमने। अब इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग क्या ले लें, इसकी डिस्टेंस जो है हम लोग आर लेके चलते थे,
ठीक है, पर यहाँ पहले से यहाँ पे कैपिटल आर दिया हुआ है, इसलिए हमारा आर कंफ्यूज कर देगा, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डीएन ले लिया, तो यहाँ डीएन ले लिया तो ये एक्स चल जाएगा। और क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीएक्स ले रहे थे तो इसको हम लोग आर ले रहे थे, पर यहाँ पे आर पहले से दिया है तो कन्फ्यूज ना कर दे, इसलिए हम लोग एक्स ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी दो जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो क्या निकल के आएंगे, एक ही नीचे की डायरेक्शन में निकलेगा, एक इस डायरेक्शन में निकलेगा, सेम वैसे ही करना है आपको। ये हो गया आपका डी ई कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला हो गया डी ई साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर है इस रिंग के और ये पैरेलल है, डी कॉस डी साइन थीटा, जैसे हमने पिछले वाला किया था सेम वही करना है। अब ये एक्स है हमारे पास, ये आर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम क्या निकाल लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं हो जाएगी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, अगर तो रेडियस तो 90 डिग्री पे ही होगी। ये हो गया, अब देखिए हमको बस सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि सिंस डी ई इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यूनिफॉर्मली रिंग है, लेकिन है तो ये डी एन लेंथ की ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन में, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो ये हो गया आपका इतना। अब हमें सिंस पता है कि जो डी क्यू होता है वो किसके बराबर होता है, वो लैम्डा डी एल के बराबर होता है, तो ये लैम्डा डी एल हो गया। और साथ ही साथ हमें पता है, यहाँ से हम और निकालना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं ना क्यू अपॉन में टोटल एल ले सकते हैं, टोटल एल ले सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा डी एल। कह सकते हैं कि नहीं इसको हम, क्योंकि क्यू अपॉन में एल क्यू लिखा, ये हमारा लेमडा है, लेमडा का फॉर्मूला होता है ना चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ एल हो गया। अब इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का आप लेंथ बताइए, टोटल लेंथ कितनी होगी, जो इसका पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 2 पाई आर, और ये हो गया डी एल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आर जो है वो क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इसलिए हमने लिया 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी क्यू की जगह हमारा ये क्या लग दिया हमने, क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई आर, और साथ में ये तो था ही हमारा, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये इतना आ गया हमारा डी। अब देखिए ये इतना आ गया हमारे पास, अब इसको इंटीग्रेट करने का टाइम आ गया, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट नहीं कि हम लोग एक्स एक्सिस में एक्स डी ई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में निकाल लें। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि डी साइन थीटा वाला जो है वो ड्यू टू रिंग सेक्शन अपोजिट टू डी एल, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए इसमें हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, क्या लाइन लिखनी होगी, सिंस कंपोनेंट ऑफ डी ई साइन थीटा, कंपोनेंट ऑफ डी साइन थीटा, कंपोनेंट ऑफ फील्ड डी ई साइन थीटा विल कैंसिल, किससे कैंसिल कर दे रहे हैं इसको, या कैसे कैंसिल हो जा रहा है, ये जो डी ई साइन थीटा है, देखिए डी एल का अपोजिट है, डी एल ऊपर की ओर लग रहा है, इधर डी एल अपोजिट की ओर लग रहा है ऊपर की ओर, तो इधर की ओर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये जो डी है वो डी साइन थीटा को, यानी कि ऊपर वाला जो है यानी डी एल का जस्ट अपोजिट, हम क्या लिखेंगे, विल कैंसिल, क्यों कैंसिल हो जाएगा, ड्यू टू रिंग सेक्शन अपोजिट टू डी एल, डी एल का अपोजिट सेक्शन है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कि नीचे भी आप देखिए इसी तरह से नीचे भी तो लगेगा, अगर नीचे की बात करें तो नीचे भी ऐसे ही आर होगा, यहाँ पर नीचे डी एल होगा, इधर साइड लेके जाएंगे तो उसका, अगर हम इधर साइड लेके जाएंगे तो उसका ऊपर लगेगा, यानी अगर हम इसकी बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम बात करें, ये यहाँ से लेके आए, ये हो गया डी ई, तो इधर भी क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इसकी बात कर ही लेते हैं, अगर हम इसका अपोजिट वाला डायरेक्शन ले लेते हैं ये, ठीक, और हम इसकी बात करते हैं ऐसे, तो देखिए ये आएगा, ये भी डी ई आएगा, और इसका भी कंपोनेंट डी कॉस थीटा, और इधर साइड पे क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, तो डी कॉस डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो प्लस हो गया, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल डी कॉस थीटा बचेगा, तो डी कॉस थीटा निकालते हैं हम लोग, तो देयर फॉर हम लोग ई पी क्या निकलेगा हमारे पास, ई पी निकल के आएगा डी कॉस थीटा, डी ई पी जो है हमारे पास इंटीग्रेट कर, पहले वैल्यू रख लेते हैं, डी पी इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल
अपॉन 2πr एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पूरा। अब इसको हम लोग यहाँ कॉस थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉस थीटा है, पर कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि, चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब ये डायग्राम फिर से हम यहाँ बना देते हैं। ये कुछ ऐसा डायग्राम था। अब देखिए यहाँ पर हमें थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला नहीं आ रहा है। अब जब अभी इसको कर लेंगे तो फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या निकालना है। तो जैसा फॉर्मूला में निकालना है वैसा हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसके फॉर्मूले जो है वो थीटा के फॉर्म में नहीं आता है, तो इसलिए इसमें हमें थीटा ना निकाल के हमें डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ वहीं पर आपको वो काम करना है। तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया। फाइनाइट रॉड में आपको वो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा वाला काम करना था। कॉस थीटा यहाँ से निकालते हैं तो क्या होता है, आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, तो यानी ये हो जाएगा एक्स अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर डीईपी क्या हो जाएगा हमारे पास, डी पी हो जाएगा वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे तो था ही है टू पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वन बाई टू, है ना, रूट को ये लिख सकते हैं वन बाई टू, और ये हो जाएगा थ्री बाई टू। तो डी ई पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्यू को हम बाहर कर लेते हैं, टू है और ये फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एट, तो एट पाई स्क्वायर है ये आपका एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स भी है यहाँ पर, तो एक्स को एक्स रहने देते हैं ऊपर, ये क्यू एक्स हो जाएगा, और नीचे आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और यहाँ बचा डी एल, ठीक है। तो अब देखिए दोनों से इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के लिए इधर भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन लगाएंगे, जीरो से लेकर टू पाई आर, क्योंकि लेंथ इसकी टोटल कितनी है, जीरो से लेकर मैक्सिमम टू पाई आर तक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो रहा है ना, अब इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये था यहाँ पर जीरो टू टू पाई आर था, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये ई पी इज इक्वल्स टू आ गया क्यू एक्स अपॉन में एट पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये हो गया जीरो से टू पाई आर, क्योंकि एल होता है हमारा, एल ही आता है, यानी इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो एल ही आएगा, और जो कि जीरो से टू पाई आर होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा क्यू एक्स एट पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू इंटू में टू पाई आर, आर से आर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, टू से ये फोर आ जाएगा, डैट मीन्स ई पी हमारे पास फिर कितना आया, क्यू एक्स अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो ये हो गया हमारा कब का केस, जब हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग देगा तो उस समय हमें इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही करना है हमें यहाँ पर। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क ऑफ इट सेंटर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस का लास्ट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंट्रीब्यूशन वाले में जो था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, पहला हमने इन्फाइनाइट फाइनाइट रॉड देखा जिसमें इन्फाइनाइट और सेमी फाइनाइट वाला हमने केस ले लिया, फिर रिंग वाला केस देखा, अब लास्ट केस देखेंगे ड्यू टू सर्कुलर आर्क ऑफ इट सेंटर, देन इसके बाद हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक खत्म हो जाएगा और हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो पहले सर्कुलर आर्क बना लेते हैं। तो सर्कुलर आर्क हमारे पास क्या होगी, कुछ इस टाइप से आर्क बनती है, ये एक आर्क है, ठीक है, तो ये आर्क बनी और ये आर्क हमारी, ठीक है, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर, ये हम यूनिफॉर्मली चार्ज ले लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, जैसे कि अभी तक हम लोग ले रहे थे। अब ये क्योंकि एक आर्क है तो इसका कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इसको हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस सी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको मीट करा देते हैं। तो ये मीट कराएंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा इस तरह से डैश डैश करके मीट करा देते हैं, और ऐसे ही इसको भी हम डैश डैश करा के मीट करा देते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ एक अपने से ले लेते हैं, कुछ इतनी डिस्टेंस, यानी ये छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इस पार्ट का नाम क्या दे देते हैं हम लोग? अभी देखिए, हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, है ना, यही होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। डैट मीन्स कि अगर मैंने ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हम लोग ले लेते हैं, डैट पहले हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं क्योंकि हमें निकालना यही है। तो ये देखिए, ये जो डिस्टेंस ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक है, इनके बीच का थीटा एंगल या थीटा है, और ये रेडियस हमने मान लिया, ये रेडियस जो है ये आर है, ठीक है, ये रेडियस हमने मान लिया कि ये आर है। अब ये रेडियस आर है हमारे पास, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, आर कितना होगा? तो आर हमारा होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर, हमें नहीं पता अभी, तो आर का रेडियस कैसे निकालेंगे, आर थीटा, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, आर डी थीटा, यानी ये जो आया ये आपका कितना आ गया, आर डी थीटा, ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस पॉइंट पर, वो कौन सी लगेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कौन सी लगेगी। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये हमारी आएगी और ये लगाएगी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डी क्यू। यहाँ पर हमारा कोई चार्ज डी क्यू ले रहे हैं क्योंकि ये डी आर डी थीटा है, तो डी क्यू हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में लगेगी, ये हो गई हमारी डी ई, ठीक है। अब डी ई के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो डी ई के दो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, एक तो ये इधर से भी देखिए ये जा रहा है, ठीक है, बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये हो गया। अब इसका हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं, तो एक कंपोनेंट तो हमारा इधर साइड में जाएगा जो कि हो जाएगा डी साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसका इस साइड में जाएगा। आप देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा कि रेक्टेंगल नहीं आएगा डायग्राम की वजह से, ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये हमारा यही है क्योंकि ये हमारा देखिए आर्क जो है वो दोनों साइड का बराबर नहीं है, मैंने यहाँ से ले लिया, अगर ये आर्क थोड़ा बराबर लेते तो शायद ये इस टाइप से आता। तो ये आपका ये डी साइन थीटा हो जाएगा, ये हमें रेक्टेंगल ही लेना है, यानी कि हमने क्योंकि डी को थोड़ा सा हमें ऐसा तिरछा बनाना चाहिए था, यहाँ से ये बनाते तो हमारा ये इस तरह से आता। तो आपको ये डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना है कि डी कॉस थीटा हो जाएगा, ये डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा हो गया, बाकी आपको यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, ये आपका हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब बस इसके ऊपर डी निकाल के इसको सॉल्व कर लेना है। तो डी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पर निकालनी है, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास 1/4πε0 डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, यही जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास। बट हमें पता है कि डी क्यू क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा डी एल होता है, और यहाँ डी एल कितना है, ये डी एल ही तो है हमारा आर डी थीटा, तो यहाँ पर हमारा लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा आर डी थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लेमडा आर डी थीटा। साथ ही साथ हमें पता है कि टी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लेमडा डी थीटा ले लेते हैं, आर डी थीटा हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 डी क्यू की जगह हो जाएगा हमारे पास लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। डैट मीन्स अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब आप देख रहे हो यहाँ पे फिर वही वाला केस हो रहा है कि जो आपका डी साइन थीटा है ये वाला जब जाएगा तो ये गया तो ये भी डी ई बनाएगा, तो इसकी भी हमारी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक डी साइन थीटा बनेगा और एक इधर साइड में जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, ये डी साइन थीटा है ये, तो इसके इधर साइड में एक डायरेक्शन में जाएगा जो कि आपका डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी कॉस थीटा तो हमारा जो है, यानी ये डी साइन थीटा है तो इसका इधर ही साइड रहेगा, सॉरी ये डी कॉस थीटा इधर ही साइड आएगा, यानी एक डी कॉस थीटा और आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि दो डी कॉस थीटा इधर ही साइड रहेगा, डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ डी कॉस थीटा बचेगा। तो जो ई हमारे पास आएगा, ई सी जो हमारे पास नेट आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब क्योंकि हमारा डी कितना आ चुका है, तो ई सी लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर। यहाँ से हमारा ई सी जो है वो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉस थीटा भी है, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा भी है। अब यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है, ये पूरा एंगल हम मान लेते हैं, अगर पूरा एंगल फाई मान लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये तो डी थीटा है हमारे पास, ये वाला जो है एंगल, ये थीटा
ये है आपके पास। अब हमने इसको पूरे को अगर 5 मान लिया तो ये हमारा जो हम ले लेते हैं इसको। अब देखिए इसको हम लोग एंगल जो ले रहे हैं वो एंगल किस अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम लोग। फाई को हम लोग 5/2 और 5/2 लेते हैं यहाँ पे। तो ये आर क्या हमारी है, आर कभी हमारी पूरी नहीं है, फाई है ये। ठीक है, ये हमारा अभी क्योंकि सिर्फ आर्क लिया है हमने, अगर ये पूरा फाई है तो इस जो इसका ये हमारे पास ये जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, -5/2 से 5/2 तक। क्योंकि देखिए थीटा जो है हमारा वो इतना ही है और फाई पूरा है, तो अगर हम इसको थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि थीटा की यहाँ पे लिमिट रखनी है, तो फाई क्या हो जाएगा इसका हाफ ही तो होगा। यानी पूरा अगर फाई है तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो यहाँ से -5/2 से यानी इधर साइड से लेकर इधर साइड में -5/2 से 5/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/4π/ε0। यहाँ बाहर निकाल देंगे तो λ/4π/ε0 r हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। -5/2 और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, d थीटा। अब यहाँ से इसमें हमें पता है cos थीटा का तो sin थीटा होता है, तो ec इज इक्वल्स टू हो जाएगा λ/4π/ε0 r। ये cos थीटा जो है इसका हमारा इंटीग्रेशन निकल के आएगा sin थीटा और है क्या हमारे पास -5/2 से 5/2। तो ये हो जाएगा आपके पास EC इज इक्वल्स टू λ/4π/ε0 r sin 5/2, फिर उसके बाद प्लस sin 5/2। ठीक है, डैट मीन्स जो इसका टोटल आंसर आएगा लास्ट वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2λ sin 5/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4π/ε0 r। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्यू टू आर्क का भी। तो इस तरह से ये हमारा जो है टॉपिक वो कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो इलेक्ट्रिक डायपोल लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।